बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ वेटनरी रिप्रोडक्शन। इस लेक्चर में हम प्लेसेंटा के बारे में देखेंगे और प्लेसेंटा कितनी टाइप्स का होता है, कौन कौन से एनिमल्स में कौन सा होता है, और रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा को देखेंगे कि ये क्या चीज़ है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, और इसके लिए हमें क्या एहतियातें बरतनी चाहिए, वो सारा हम देखते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा होता क्या है बेसिकली। तो देखिएगा, द प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन दैट ड्वेल्स इन यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि ये ऑर्गन है प्लेसेंटा, आमतौर पर ये मौजूद नहीं होता बॉडी के अंदर। ये जब प्रेगनेंसी होती है एनिमल को, तो तब यूट्रस में डेवलप होता है। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग बेबी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बेबीज ब्लड। ये जो स्ट्रक्चर है, इसका क्या बेनिफिट है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बेबी को। जहरी बात है, कोई न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एक वो जिंदा चीज़ है जो डैम के जो है वो अंदर मौजूद है, तो उसको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो वो प्लेसेंटा के जरिए मूव करती हैं मदर से बेबी में। द प्लेसेंटा अटैचेस टू द वॉल ऑफ यूट्रस। प्लेसेंटा होता किस जगह पे है? यूट्रस में होता है, और ये यूट्रस की वाल के साथ अटैच होता है। एंड बेबीज अम्बिलिकल कॉर्ड अराइजेस फ्रॉम इट। और जो जो होता है काव होता है, उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो इसी से अराइज करती है। ठीक है, तो प्लेसेंटा हो गया। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये प्लेसेंटा है आपके सामने, ये पिक्चर के अंदर जो दिखाया हुआ। बेसिकली इसके अंदर होता है जो बेबी होता है, और ये प्लेसेंटा बेबी और मदर के दरमियान में होता है। ठीक है, जो इसको अटैच करता है। अब एक चीज बेबी की तरफ से आ रही होती है और एक मदर की तरफ से आ रही होती है। उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, वो हम देखते हैं। प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर र्यूमिनेंट्स के अंदर, पहला पॉइंट देखिएगा। र्यूमिनेंट्स हैव ए कॉटिलेडन भी प्लेसेंटा। के प्लेसेंटा की जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं। जो ल्यूमिनेंट्स है, और हम जिसमें कैटल की ज़्यादा बात करेंगे, उसमें जो प्लेसेंटा है वो किस टाइप का होता है? कॉटिलेडन री टाइप का, कॉटिलेडन इसमें बने होते हैं। तो इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ हैविंग ए सिंगल लार्ज एरिया ऑफ कंटेक्ट बिटवीन मेटरनल एंड फीटल वास्कुलर सिस्टम, ये एक बहुत बड़ा एरिया अटैच हो फीटस और मदर का, इसमें क्या होता है, दीज एनिमल्स हैव न्यूमरस स्मॉल प्लेसेंटाई। छोटे छोटे, पिछली पिक्चर में हमने देखा कि प्लेसेंटाई बने होते हैं जिसके जरिए जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का। और इसमें हम देखते हैं कॉटिलेडन होता है और क्रंकल होता है। कॉटिलेडन कौन सा पार्ट होता है? जो फीटल साइड होती है प्लेसेंटा की, जो बेबी वाली साइड होती है, फीटस वाली साइड होती है, उसको हम कहते हैं कॉटिलेडन। और जो मदर वाली साइड होती है, मेटरनल साइड ऑफ प्लेसेंटा, मतलब के बाहर वाली साइड आप लगा लें फीटस के, जो ये कवरिंग इसके ऊपर होगी, जो मदर वाली साइड होगी वो होगी क्रंकल, जो फीटस वाली साइड होगी उसको कहेंगे कॉटिलेडन। और जो कॉटिलेडन और क्रंकल दोनों मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लेसेंटोम। ठीक है जी, ये हमने पिछली पिक्चर में भी देखा। ये देखें, ये गोल गोल बने हुए हैं, ये क्रंकल और कॉटिलेडन मिले हुए हैं, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटोम्स। डिफरेंट ये गोल गोल हैं, इसके ऊपर बने हुए ऐसे, इस तरह ये प्लेसेंटोम कहलाते हैं। ठीक है, दो चीज़ें मिलनी है ना, एक मदर की तरफ से आएगी, एक जो है फीटस की तरफ से आएगी। साइड कह, जो साइड फीटस की तरफ से आएगी उसको कॉटिलेडन कहेंगे, जो मदर की तरफ से आएगी उसको करंकल कहेंगे। आगे चलते हैं, अगली साइड देखते हैं। ये देखिएगा, ये थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर फीटल मेम्ब्रेन दिखाई दी है, कि ये कुछ इस तरह से होती है, नियर पास्टुरेशन। आगे देखते हैं, अगली स्लाइड। ये देखिए क्रंकल्स, ये मदर साइड दिखाई दी है,
क्रंकल जिस तरह के होते हैं, ये देखें कन्वेक्स है, ठीक है, उभार बार की जानी है इसका, कन्वेक्स हम कहते हैं जो चीज का जिसका उभार इस तरह हो, ऐसे ऐसे, ये जो है जी क्रंकल कहलाता है, ठीक है जी। 70 से 120 कह रहे हैं, जब कोई इस तरह मतलब हो, इस तरह साइड हो, तो उसको हम कंकेव साइड कहते हैं, ये वाली साइड कन्वेक्स होती है, तो कैटल वगैरह में ये कन्वेक्स होती है, ये देखें ये कन्वेक्स है, लाइक बटन, ठीक है, बटन टाइप कर, ये देखिएगा ट्विन प्लेसेंटेशन, एनिमल में ट्विन दिखाया है, ये देखें इसके अंदर, क्योंकि प्लेसेंटा के अंदर बेबी होता है, तो ये देखिए एक बेबी इस साइड पे है और एक बेबी इस साइड पे है। ये द एमनियोटिक सैक्स हैव बीन इंजेक्टेड विद मिथाइलिन ब्लू टू बेटर इलस्ट्रेट देयर साइज, कि ये जो है प्लेसेंटा के अंदर मिथाइलिन ब्लू इंडक्ट की हुई है, जिसकी वजह से ये ताकि अच्छी तरह नजर आ सके ये जो बेबी हैं। और ये कोरियो एलेंटोसिस मेम्ब्रेन है, इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये मेम्ब्रेन जो होती हैं, एक होता है प्लेसेंटा और एक होती है फीटल मेम्ब्रेन, इनमें आमतौर पे इनको एक ही समझा जाता है, लेकिन थोड़ा सा जस्ट डिफरेंस है कि जो ओवरऑल मदर की जानिब से भी पार्ट आ रहा है तो तब उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, लेकिन जस्ट जो फीटस के ऊपर पार्ट होता है, फीटस के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको हम जो है कोरियो एलेंटोसिस मेम्ब्रेन्स कहते हैं, वो फीटस की तरफ से मतलब होती हैं जो उसके ऊपर कवरिंग है। ये देखिए फीटल मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा में क्या डिफरेंस होता है, द प्लेसेंटा इज एन अरेंजमेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स विद साइड्स फॉर एक्सचेंज बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल सर्कुलेशन सो दैट न्यूट्रिशन फ्रॉम द डैम कैन रीच द फीटस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फीटस कैन बी ट्रांसफर टू द डैम, ठीक है, कि प्लेसेंटा अरेंजमेंट्स है मेम्ब्रेन की इस तरह और उसमें साइड्स बनी हुई है डिफरेंट, जो इसलिए जरूरी है कि फीटस और मदर के दरमियान न्यूट्रिशन का भी एक्सचेंज हो सके और जो बेबी प्रोड्यूस कर रहा है वेस्ट मटेरियल उसका भी एक्सचेंज हो सके। आगे ये इधर से देखिएगा, इन डोमेस्टिक एनिमल द टर्म फीटल मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा आर यूज इंटरचेंजेबल, आमतौर पे ये इकट्ठा यूज किया जाता है, लेकिन टेक्निकली द फीटल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द फीटल प्लेसेंटा टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम मैटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द प्लेसेंटा, कि फीटल मेम्ब्रेन्स, जहां बात हो रही है फीटल का लफ्ज लग रहा है कि फीटल मेम्ब्रेन है, तो वो फीटल प्लेसेंटा की बात हो रही है, उसमें मदर वाला पार्ट जो है करंकल आप ना डालें, सिर्फ जो पार्ट है फीटस वाला उसके गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसको हम डालेंगे। और अगला पॉइंट, एक पॉइंट और वो कहता है कि यहां से देखिएगा, इन सम स्पीशीज अ पोर्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम इज आल्सो शेड एट पार्चुरेशन, दिस इज द मैटरनल प्लेसेंटा और डेसीडुआ। डेसीडुआ क्या होता है, कुछ स्पीशीज में एंडोमेट्रियम का भी, एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस की एक ये अपना मुझे होस्ट बनाना, एक मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे होस्ट बनाना, मैं शेयर कर सकूं स्लाइड्स।
हो गया था, वहीं से स्टार्ट कर। जी बात हो रही थी जो पार्ट है एंड्रोम वन जब बचता है तो बाहर निकल आता है गिर उसके अंदर कॉरियन एलेंटोइसिस एमनियन और वेस्टिजियल योग सैक आता है। मतलब ये कहने का सिंपल अल्फाज में ये कि अच्छा अब वॉइस आ रही है ना मेरी, ये जो मेम्ब्रेन होती है अपना प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को आप यूं समझ लें कि दो टाइप का कर लें कि फीटल प्लेसेंटा भी होता है और जो है मेटरनल प्लेसेंटा भी होता है। मेटरनल प्लेसेंटा जब बाहर आता है तो उसको डेसिडुआ भी कहते हैं। मेटरनल पेंसुल जो होगा वो प्लेसेंटा क्या होगा, यूट्रस का कोई पार्ट होगा ना एंड्रोमेट्रियम, वो जब पास आता है तो उसको डेसिडुआ कहते हैं। और जब सिर्फ हम फीटल प्लेसेंटा की बात करते हैं तो सिर्फ फीटल प्लेसेंटा जो होता है उसको फीटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उन फीटल मेम्ब्रेन में कॉरियन एलेंटोइसिस एमनियन ये लेयर्स के डिफरेंट नाम है जो उसके अंदर आते हैं, जिसको कॉरियन एलेंटोइसिस भी हम कहते हैं। ये लेयर्स है ना, आपको पता है कॉरियन एलेंटोइसिस एमनियन डिफरेंट लेयर्स। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लेसेंटा इज कॉरियन। अब अगर बाहर से अंदर की जानी जाए तो जो जो एंडोमेट्रियम के साथ यूट्रस के साथ आ चुकी साइटोट्रोफोब्लास्ट वो है सेल है Y2C आ रहा है। Y2C किस किस को आ रहा है? अभी अब आ रही है। ये बात हो रही है फीटस मेम्ब्रेन की, ठीक है। पहले हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है हमने प्लेसेंटा के हवाले से। प्लेसेंटा के अंदर मैंने आपको बताया कि हम प्लेसेंटा को यूं कह लें कि प्लेसेंटा की दो टाइप हो सकती है, मेटरनल प्लेसेंटा और फीटल प्लेसेंटा। ओवरऑल वैसे इस तरह टाइप नहीं होती, प्लेसेंटा एक पूरा अलहदा से ही चीज है और इसके मदे मुकाबिल जो चीज है उसको हम कह देते हैं फीटल प्लेसेंटा, ठीक है। तो फीटल प्लेसेंटा या जो फीटल मेम्ब्रेन होती हैं उसमें हम फिर मेटरनल कोई पार्ट उसमें, मतलब जो मेटरनल के क्रंकल्स हैं उसको इंक्लूड नहीं करते, फीटस के जो मेम्ब्रेन है उसको इंक्लूड करते हैं। वो जो मेम्ब्रेन हैं उसमें जो पहली बाहर वाली लेयर है उसको कहते हैं कॉरियन, ठीक है। कॉरियन जो लेयर है वो दो तरह के सेल्स से मिलकर बनती है, एक सेल को कहते हैं साइटोट्रॉप्स और दूसरे को कहते हैं सिंक्योट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंक्योट्रोफोब्लास्ट ये दो तरह के सेल हैं जो कॉरियन के अंदर मौजूद होते हैं, जो कॉरियन को मिलके बनाते हैं। और कॉरियन और एलेंटोइस ये जो दो लेयर्स हैं इनको जब हम इकट्ठा पढ़े तो इसको हम कॉरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है जी। सिंपल सी बात है कि ये जो डिफरेंट लेयर हैं कॉरियन एलेंटोइसिस एमनियोटिक इस तरह, इनमें से जो सबसे बाहर वाली है वो कॉरियन है। कॉरियन दो तरह के सेल्स से मिलके बनी है और जब कॉरियन और एलेंटोइसिस को वैसे हम इन दोनों लेयर्स को मिला
हम देते हैं तो हम कहते हैं फॉर योर एम्प्लॉइज समथिंग, ये बात होगी तो हम जो है वो आते हैं। प्लेसेंटा रिटेंशन कब होती है, क्यों प्लेसेंटा बाहर नहीं आता एनिमल के जो है वो जिस्म से, उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि जिस वक्त आ रहा है ये सबको आ रहा है ये है। अच्छा मतलब कि वॉइस इशू है, एक मिनट रुकेंगे। अच्छा वॉइस इश्यू ज्यादा, अब बताइएगा अब वॉइस ठीक आ रही है मेरी, या अभी जो है वो वॉइस के अंदर डिसकनेक्टिविटी है? अब ठीक है, ठीक हो गया। वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं वहीं पे बैठा हूँ, बोल भी वैसे ही रहा हूँ, नेटवर्क सिग्नल्स का प्रॉब्लम होगा। अच्छा बात हो रही थी कि जो डिफरेंट प्लेसेंटा की बात हुई, पहले मैंने प्लेसेंटा के बारे में थोड़ी बहुत आपको चीज़ें बता दी कि ये फलां इसका पार्ट होता है, फीटल मेम्ब्रेन से इसका ये फ़र्क होता है, इस तरह होता है उस तरह होता है। अब टॉपिक आज का हमारा ये है कि प्लेसेंटा रिटेंशन क्यों हो जाती है, प्लेसेंटा एनिमल के जिस्म में क्यों रह जाता है। वो जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो है स्टेजेस ऑफ लेबर क्या है। जो बेबी है पार्चुरेशन जिस वक्त होती है, बेबी ने बाहर आना होता है, तो उसके बाहर आने को हम तीन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, उसको हम स्टेजेस ऑफ लेबर कहते हैं। तो पहली स्टेज को कहते हैं प्रीपरेटिव स्टेज, फर्स्ट स्टेज को कहते हैं प्रीपरेटिव स्टेज, और ये 2 से 12 घंटे के दरमियान होती है। इसमें क्या होता है, मायोमेट्रिकल कंट्रैक्शंस होती हैं, जो यूट्रस की मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, यूटेराइन प्रेशर प्रेशर डलता है फीटस के ऊपर, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट महसूस होता है एनिमल को, और सर्विकल डाइलेशन होती है। ये ऊपर देखें, ये यूट्रस का अगर पार्ट है, इसके अंदर बेबी है, और ये जो है सर्विक्स है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे मतलब बेबी मौजूद है, ऐसे इसने बेबी ने बाहर आना है, तो पहले तो जो सर्विक्स होती है वो क्लोज होती है, आपको पता है ये सर्विक्स है, ये क्लोज होती है। लेकिन फर्स्ट स्टेज जिसको हम प्रीपरेटिव स्टेज कहते हैं, उसमें क्या होता है, सर्विक्स जो है वो डायलेट कर जाती है, ठीक है, क्योंकि बेबी ने बाहर आना है, ये वाला जो पोर्शन है वो डायलेट कर जाता है। डायलेट करता है तो मतलब उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बेबी ने यहाँ से बाहर आना है, सर्विक्स जो है उसका साइज इंक्रीज हो गया, अब बेबी को रास्ता मिल गया कि वो यहाँ से बाहर आ सकता है। ये पहली स्टेज है, ये स्टेज जो है वो आमतौर पे 2 घंटे से 12 घंटे तक जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज में क्या होता है कि फीटस बाहर आ जाता है, जो बच्चा है वो जो है वजाइनल वे के जरिए बाहर आ जाएगा। ये आमतौर पर जो है 30 to 180 minutes का होता है, मतलब कि आधे घंटे से लेके, ठीक है, 3 घंटे तक ये जा सकता है, 0.5 to 3 hours ये स्टेज जिसमें बच्चे ने बाहर आना होता है। इसमें क्या कुछ होता है, स्ट्रॉन्ग यूटराइन कंट्रैक्शंस होती हैं, जो इसके बच्चे के गिर्द मेम्ब्रेन है, एलेंटोक्राइन मेम्ब्रेन, ठीक है, एलेंटोआइसिस और क्राइन जो मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई हैं वो रप्चर कर जाती है, ठीक है, और अपीयरेंस ऑफ द एम्नियन, वो रप्चर करेंगी तो बच्चा बाहर आने की कोशिश करेगा, और एम्नियन जो लेयर है वो हमें नजर आना शुरू हो जाती है। मेटरनल रिकम्बेंस एंड स्ट्रेनिंग, मदर जो है वो जोर लगाना शुरू कर देती है, नॉट ओनली यूटराइन बट एब्डोमिनल कंट्रैक्शंस एज वेल, सिर्फ यूटरस कंट्रैक्ट नहीं करती, जो मसल्स हैं एब्डोमेन के मसल्स वो भी कंट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो मदर है उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रही है, तो बेबी को अब बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और फिर एमनियन जो है
वो लेयर भी रप्चर हो जाती है और डिलीवरी हो जाती है बेबी, बेबी जो है वो काव जो है वो बाहर आ जाता है। ये सेकंड स्टेज है। हम लेबर की स्टेजेस देखते हैं, पार्चुरेशन की स्टेजेस देखते हैं। पहली स्टेज में क्या होगा, सर्विक्स डायलेट कर गई है, सर्विक्स ओपन हो गई, बच्चे के निकलने का रास्ता बन गया। दूसरी स्टेज में बच्चा बाहर आ गया, ठीक है जी। अब आते हैं तीसरी स्टेज पे, जिसके मतलब आज हमारा टॉपिक है। थर्ड स्टेज होता है एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा। अब जो देखें, पेट में सारा कुछ हो रहा था, जिस मेम्ब्रेन के अंदर बच्चा था, जो उसके गिर्द प्लेसेंटा बना हुआ था, वो तो रप्चर हो गया, बच्चा तो बाहर आ गया, लेकिन अब उस प्लेसेंटा ने भी तो बाहर आना है ना। अब अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आएगा तो अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस हो सकती है, पायोमेट्रा हो सकती है, पस पड़ सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बॉडी अब उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट, क्योंकि बच्चा तो उसमें रहा नहीं, फॉरेन ऑब्जेक्ट समझना शुरू करेगी, तो एनिमल डिस्कम्फर्ट में आ सकता है। तो थर्ड स्टेज कितनी देर में हो जानी चाहिए, 12 घंटे के अंदर अंदर ये स्टेज हो जानी चाहिए कैटल के अंदर। हम बात कर रहे हैं कैटल, इसमें यूटराइन जो है वो कंट्रेक्शन होंगी, प्रियानिक विली लूजन होगी, ये जो बना होता है मदर की तरफ से विलाई होते हैं, और जो दूसरी तरफ होती है वो कोरियन टाइनिक मेम्ब्रेन होती है, वो लूज हो जाती है। एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा को बाहर आ जाना चाहिए। नॉर्मल में ये होना चाहिए कि जो प्लेसेंटा है, बच्चा आने के 12 घंटे बाद उसको भी बाहर आ जाना चाहिए। और ह्यूमिनेंट्स में ये इसलिए ज़्यादा डिले होती है, मेयर के अंदर तो ये आधे घंटे से 2 घंटे के दरमियान हो जाना चाहिए, आधे घंटे से 2 घंटे के दरमियान दरमियान, ठीक है, जो मेयर होती है, घोड़ी होती है। लेकिन जो हमारा ये है एनिमल ह्यूमिनेंट्स हैं, और उनमें खासकर कैटल की हम बात करें, तो उसमें ये डिले होता है, 12 घंटे तक जा सकता है। क्या वजह है, क्योंकि इनके अंदर कॉटिलेडंस मौजूद हैं, स्ट्रक्चर्स मौजूद है ना, बटन लाइक आपस में वो कोहिजन हुई हुई है, वो मिले हुए हैं, वो बटन स्ट्रक्चर खुलेंगे जैसे टिच बटन होता है, उस तरह के स्ट्रक्चर अंदर मौजूद होते हैं, वो टिच बटन जिस तरह वो खुलेंगे तो ही प्लेसेंटा बाहर आएगा ना, इसलिए इनके अंदर थोड़ा सा डिले हो सकता है। और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनमें ये डिफ्यूज प्लेसेंटा भी हो सकता है, प्लेसेंटा डिफरेंट टाइप का होता है, डिफ्यूज भी होता है, जोनरी भी होता है, वो आगे हम प्लेसेंटा की टाइप्स भी देखते हैं। लेकिन जो कैटल है उसके अंदर कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा होता है, कॉटिलेडन्स मौजूद होते हैं, करंकल्स और कॉटिलेडन मिलके प्लेसेंटोम जो बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो खुलने में थोड़ा टाइम ले सकता है। और सकलिंग जो है वो इंड्यूस करती है ऑक्सीटोसिन रिलीज। अब जो है ऑक्सीटोसिन आपको पता है वो कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाती है, तो बेबी जो बाहर आया वो अगर सकलिंग करेगा तो ये हो सकता है। जो है ये आफ्टर 12 आवर्स, आफ्टर 12 से 24 घंटे के दरमियान, 12 घंटे से ज्यादा टाइम हो जाए तो फिर ये रिटेन प्लेसेंटा के अंदर आ रहा होता है, 12 to 24 आवर्स। ये हो गया जी, थर्ड स्टेज हो गई। उसके बाद आइएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्सपल्जन पे, कि एक्सपल्जन कैसे होती है, वैसे जो इसकी है प्लेसेंटा की, ये देखिएगा, द प्लेसेंटोम इज द अटैचमेंट बिटवीन द डैम क्रंकल एंड द फीटल मेम्ब्रेन कॉटिलेटर, के प्लेसेंटोम बने होते हैं टिच बटन की तरह, जिस तरह होते हैं ना, उसमें जो फीटस है उसकी तरफ से क्रंकल, और जो डैम है सॉरी डैम की तरफ से क्रंकल और फीटस की मेम्ब्रेन की तरफ से कॉटिलेडन आते हैं। ऑलमोस्ट 100 प्लेसेंटोम होते हैं, अब वो आपस में जुड़े हुए हैं, बंद हुए हुए हैं बटन लाइक, ठीक है। तो जिस वक्त पार्चुरेशन होती है, बिगिंस कंट्रेक्शन ऑफ यूट्रस आर इनिशिएटेड, कंट्रेक्शन यूट्रस की बढ़ जाती है, ठीक है, उसमें जो है वो लहरें सी बनेंगी बच्चे को बाहर निकालने के लिए। जब वो लहरें सी बनेंगी तो जो बटन लाइक स्ट्रक्चर है वो ओपन होंगे। अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है इसमें, जैसे 70 to 120 तक जा सकते हैं ये, जैसे पहले भी एक बच्चे ने बताया था, तो एग्जैक्ट अमाउंट इसकी जो प्लेसेंटोम है उनकी वेरी करती है। हाँ, किसी एमसीक्यू में, किसी बुक में अगर कोई एग्जैक्ट दिया हुआ है कि जी 70, 100, 120, तो फिर वो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, वैसे इसकी तादाद जो है वो वेरी करती है। तो अच्छा, ये आपको मैं बता रहा था कि ये इन बटनों ने कैसे खुलना है, एक तो यूट्रस ने कंट्रैक्ट करना है,
ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है प्लेसेंट्रोम की तरफ। ब्लड कम होगा तो ही वो प्लेसेंट्रोम मतलब डेड होने की तरफ आएंगे और वो बाहर निकलेगा। अगर ब्लड सप्लाई पूरी रहे तो वो तो हरा भरा ही रहेगा ना पौधे की तरह। अब पौधे ने अगर मुरझाना है जिस तरह, तो उसको आपको पानी की सप्लाई उसकी रोकनी पड़ती है जिस तरह। तो इसकी भी प्लेसेंटोम को अगर बाहर निकाल लें तो ब्लड की सप्लाई रुकेगी ऑटोमेटिकली, तो वो जो है लूज होना शुरू हो जाता है वो स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, बाय श्रिंकिंग ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल द कैपिलरी प्रेशर इज रिड्यूस एंड सेपरेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स अकर। अब चूंकि ब्लड वेसल जो है वो श्रिंक कर गई है, ब्लड प्रॉपर पहुंच नहीं रहा, ठीक है, तो जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं वो अलहदा होना शुरू हो जाती है, जो आपस में एक इनका टिच बटन का बना हुआ है स्ट्रक्चर बना हुआ है वो खुल जाता है, और बाकी का जो काम है वो पोस्ट काविंग यूटराइन कंट्रैक्शंस पूरा कर देती है। पोस्ट काविंग से मुराद के बच्चा जब बाहर निकल आया, बच्चा बाहर निकल आया अब, और उसके बाद जो कंट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से हो रही है, उसकी वजह से ये फीटल मेम्ब्रेन, ये जो अटैचमेंट है कॉटिलेडन और क्रंकल की, वो खत्म हो जाती है, और अब जो है वो बेसिकली जो पार्ट है फीटल मेम्ब्रेन्स का उनको बाहर आ जाना चाहिए, प्लेसेंटा को बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रोसेस, एनी प्रोसेस विच कॉजेस कंटिन्यूअल प्रेशर ऑन द क्रंकल एंड कॉटिलेडन यूजली रिजल्ट्स इन रिटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। कि कोई भी ऐसा मसला जो डिफरेंट टाइप की वजूहत की वजह से हो सकता है, किसी इंफेक्शन की वजह से, या मेट्राइटस हो गया अंदर, इन्फ्लेमेशन हो गई या सोजिश हो गई है, और वो बाहर नहीं आ पा रहा प्लेसेंटा, तो उसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का अंदर रह जाना, ठीक है। और उसका टाइम मैंने आपको बताया कि 12 घंटे तक कैटल के अंदर नॉर्मल समझा जाता है, 12 घंटे वेट किया जा सकता है, 12 घंटे से ज्यादा जब होगा 12 to 24 hours, इसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन है, ठीक है। आफ्टर 12 hours ये कंसिडर किया जाएगा कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा आ गई है, अब इसको हमें कोशिश करनी चाहिए रिमूव करने की। उसके फिर डिफरेंट तरीकाकार हैं, कुछ उसमें मतलब हार्मोनल तरीकाकार हैं, कुछ हार्मोन्स के टीके लगाए जाते हैं, और एक मैनुअल तरीकाकार है कि मैनुअल आप जोर लगा के उसको निकालते हैं, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम प्लेसेंटा की डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं। प्लेसेंटा की एक टाइप होती है जी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ये सारे फैक्टर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो प्लेसेंटा की जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो देखिएगा, पहली टाइप को कहते हैं डिफ्यूज टाइप, ठीक है। अभी तक जो प्लेसेंटा की मैं आपको टाइप्स बता रहा था वो कौन सी टाइप थी, कॉटिलेडन वाली, ठीक है। लेकिन हर एनिमल में कॉटिलेडन नहीं होता, हर एनिमल में कॉटिलेडन नहीं होता, कुछ में अलहदा भी स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा का, इस तरह का भी हो सकता है प्लेसेंटा। डिफ्यूज, डिफ्यूज प्लेसेंटा क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली एंटायर सरफेस ऑफ द एलेंटोकोराइन पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। ये जो सारी मेम्ब्रेन है वो, ये क्या आपने मैसेज शुरू किया है, ये इसको बाद में देखते हैं, 10 मिनट सिर्फ रह गए लेक्चर में। अप्रोक्सीमेटली एंटायर सरफेस ऑफ द एलेंटोकोराइन पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, के टोटल मेम्ब्रेन, उसमें तो कॉटिलेडन में तो इस तरह थे ना कहीं कहीं पे, लेकिन इसमें टोटल सरफेस ही डिफ्यूज सरफेस होगी, और ये पार्टिसिपेट करेगी डेवलपमेंट में, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल सारी सरफेस से होगा, इसको कहते हैं डिफ्यूज। और ये एक्वाइन और स्वाइन के अंदर होती है, एक्वाइन में ये डिफ्यूज प्लेसेंटा होता है और स्वाइन में भी डिफ्यूज प्लेसेंटा होता है, ठीक है। उसके बाद आइए कॉटिलेडनरी, ये हम डिस्कस करते आए स्पेशल, पीछे सारा यही हमने डिस्कस किया है। ये ज्यादातर किस में होता है, र्यूमिनेंट्स में होता है, इसीलिए हमने पीछे देखा कि र्यूमिनेंट्स में जो टाइम है प्लेसेंटा के बाहर आने का वो 12 घंटे तक का है, ज्यादा है, जो मेयर है उसमें तो आधे घंटे बाद, आधे घंटे से एक डेढ़ घंटा भी हो जाए तो उसको एमरजेंसी समझा जाता है, इवन के मतलब वो फिर एमरजेंसी केस के तौर पे उसको ट्रीट किया जाता है।
इसमें चूंकि कॉटिलेडन होता है स्ट्रक्चर ह्यूमिनेंट्स में, अंदर वो जो है आपस में अटैच हुए होते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। एक होता है जी जोनरी, जोनरी लफ से पता चल रहा है जून बने हुए हो, ठीक है, करेक्टराइज बाय ए कंप्लीट और इनकम्प्लीट बैंड ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द फीटस। ये किस किस में होता है? दो कैटल, सील्स, बियर और एलिफेंट्स में होता है कि जो इसके अंदर टिश्यू का बैंड है वो कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है, बैंड की सूरत में होगा, बैंड ऑफ टिश्यू, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बैंड बना हुआ है टिश्यू का, इस सूरत में होगा, पूरा एक टिश्यू की सूरत में है जहां से आपस में एक्सचेंज होना है। बेसिकली प्लेसेंटा के फंक्शन मैंने आपको बताया थे शुरू में कि आपस में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होना है, हार्मोन्स का एक्सचेंज होना है, वो इसके जरिए होना है, या वेस्ट प्रोडक्ट जो बेबी प्रोड्यूस कर रहा है वो भी इसके जरिए बाहर मदर की बॉडी में जाने हैं। तो उसके अंदर मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ कि एक टाइप है डिफ्यूज, जिसमें टोटल मेम्ब्रेन्स और जो है किसी भी जगह से एक्सचेंज हो सकता है। दूसरी टाइप है कॉटिलेडन, जिसमें कॉटिलेडन वाली जो साइड है प्लेस सिम्टोम जहां जहां पे प्लेस है वहां से एक्सचेंज होगा। तीसरी टाइप है जोन, इसके अंदर बैंड ऑफ टिश्यू बनता है फीटस के अराउंड, और उस टिश्यू जहां पे वो बैंड ऑफ टिश्यू बनता है वहां से एक्सचेंज होता है, इसको जोनरी कहते हैं। ये डॉग में, कैट में, सील्स में, बियर्स में और एलिफेंट्स के अंदर होती है जोनरी। और फोर्थ टाइप होती है डिस्कॉइड, ठीक है, डिस्कॉइड, ये देखिए डिस्क बनी थी, एंटायर प्लेसेंटा रिमेन्स इन डिस्क शेप, या डिस्क की शेप में टोटल प्लेसेंटा मौजूद होगा। ये आमतौर पे प्राइमेट्स और रोडेंट्स में होता है, प्राइमेट्स और रोडेंट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। प्राइमेट्स में जैसे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं तीन चार जो प्राइमेट्स होने के लिए ज़रूरी हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल बेहतर होना चाहिए उस एनिमल का, इस तरह की शेप होनी चाहिए, तो उसमें ह्यूमंस आ जाते हैं, एप्स आ जाते हैं, मंकीज आ जाते हैं। और रोडेंट्स में आपको पता है ये जैसे रोडेंट एनिमल जो ये छोटे होते हैं कुतरने वाले वो आ जाते हैं, तो इनमें जो शेप होता है वो डिस्काइड होता है, डिस्क शेप होती है प्लेसेंटा। अच्छा, प्लेसेंटा के फंक्शंस देख लीजिए, ये मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ, टाइम थोड़ा है हमारे पास। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बाय सिंपल डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो सकता है, उसमें सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकती है कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे डिफ्यूजन होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाना, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी भी लगती है, ठीक है। और गैशियस एक्सचेंज भी होता है, प्लेसेंटा एक्ट एज फीटल लंग, प्लेसेंटा एज ए फीटल लंग के तौर पे काम कर सकता है, इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज बॉडी में हमारे कौन सा ऑर्गन करता है, लंग्स करते हैं, तो यहाँ पे एज ए प्लेसेंटा को हम जब गैस एक्सचेंज के तौर पे लेंगे तो उसको हम फीटस का लंग्स भी कह सकते हैं। तीसरा फंक्शन देखिएगा वाटर एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज भी होता है, ठीक है, ऑलरेडी फीटस एब्जॉर्ब भी किया होता है वाटर, इसके जो मेम्ब्रेन में फ्लूड ऑलरेडी भी मौजूद होता है, लेकिन उसके अलावा भी वाटर का जो एक्सचेंज है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। चौथे नंबर पे ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे, जिसमें माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स दोनों हो सकते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, आयरन, कॉपर, इसके अलावा और डिफरेंट जो एनर्जी के पार्ट हैं जो बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ठीक है। सिंपल इस पॉइंट का मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट भी इसी के जरिए होता है, इसके अलावा हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी इसके जरिए होता है, जैसे कि गोनोडोट्रोपिन और स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो भी इसी के जरिए मूव करने हैं फीटस और मदर के बीच में। और एक्सचेंज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, ये जो प्लेसेंटा है वो किडनी की तरह भी फंक्शन करती है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एक्सचेंज होना किसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है फीटस अपना किडनी की, तो प्लेसेंटा एज ए किडनी भी रोल प्ले करती है, फीटल किडनी भी जो है फीटस के किडनी के तौर पे भी रोल प्ले करती है, फीटस के लंग्स के तौर पे भी रोल प्ले करती है। ये जो है जी फंक्शंस आ गए इसके डिफरेंट, ये देखिए आगे आइएगा रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन पे,
एक फुल ना बाहर आ रही हो, कुछ हमें नजर आ रही हो फीटस की मेम्ब्रेन, ये जो देखें बाहर नजर आ रहा है ये फीटल मेम्ब्रेन है जो नीचे लटकी हुई है। अच्छा जेंडर भी ऐसा आप क्या कह रहे हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की क्या होती है, जेंडर पार्चुरेशन में पहले वाटर बैग एम्ब्रियन मेल में ज्यादा चांस होते हैं, ठीक हो गया, मेल में वो बता रहे हैं कि ज्यादा चांस होते हैं अगर मेल चाइल्ड है, मेल बच्चे ने प्रोड्यूस होना है तो उसमें ज्यादा चांस होंगे कि रिटेंशन ऑफ रह जाए, ट्विंस पैदा होने हैं उसमें भी ज्यादा चांस होंगे, दो बच्चे पैदा होने हैं फिर फीटस की जो मेम्ब्रेन है वो रिटेन कर जाए। और इसके अलावा जो इसका बता रहे हैं एक और पॉइंट या पूछ रहे हैं पार्चुरेशन में पहले वाटर बैग, जी पहले जो वो वाटर बैग ही है उसने ही जो है वो बाहर आना होता है और उसके बाद जो है फिर बारी बारी बाकी लेयर जो है वो रप्चर करती हैं और फीटस जो है वो बाहर आ जाता है, लेकिन वो पूरी तरह तो नहीं, जो वो उसकी वो कुछ पार्ट रह जाते हैं जो प्लेसेंटा के उसको फिर हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। इसमें ये डेफिनेशन देखिएगा, रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन इज डिफाइंड